एक्सेलेंट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फाइंड द एडिशन टॉपिक को हम लोग अब पढ़ चुके हैं और अब हम लोग अगले टॉपिक पर आ चुके हैं जिसका नाम है डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता। विभाज्यता के प्रश्न नंबर सिस्टम के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में से आते हैं और डिविजिबिलिटी के सारे प्रश्न, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपकी रीट, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, यहाँ तक कि आप यूपीएसआई और एसएससी में भी जो है प्रमुखता से इस प्रश्नों को पूछा जाता है। तो हम ऐसे ही प्रश्नों पर बात करने वाले हैं और आपको बताते हुए भी चलेंगे कि कौन से प्रश्न ज़्यादातर किन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और कहाँ पे पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहले हम सिंपल क्वेश्चन को देखेंगे, फिर धीरे धीरे हम उसके अगले लेवल की ओर बढ़ते चलेंगे। जो हमारा जो केस वन है, केस वन में सीधे तौर पे प्रश्न पूछा जाता है कि कितनी संख्याओं को एक स्पेशल संख्या कितने तक विभाजित कर सकती है, मतलब कितनी संख्याओं को विभाजित कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, आपसे अगर पूछा जाए कि 500 तक कितनी संख्याएं 17 से विभाज्य होगी, 17 से विभाज्य होगी। ये विभाज्यता की सबसे सरल प्रश्न है और यहीं से क्वेश्चन आपका क्या होता है, स्टार्ट होता है। चलिए 500 तक कितनी संख्याएं हैं जो 17 से विभाज्य होंगी, इस स्थिति में आपको करना क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको 500 में 17 से कर लेना है भाग। जो भागफल हमें मिलेगा वही हमारा यहां पर उत्तर होगा। फॉर एग्जाम्पल 17 × 34 आपका ये हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6, 4 में से 3 गया 1, 160, ठीक है, और 17 × 9 = 153 हो जाएगा, ठीक है। तो शेषफल यहां पर क्या बचेगा, 7 बचेगा। 7 शेषफल का कोई मतलब नहीं होता, मतलब सिर्फ और सिर्फ किसका है, भागफल का। तो कुल 29 संख्याएं हमें प्राप्त होंगी 500 तक जो 17 से विभाज्य, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछ ले कि 1578 तक कितनी संख्याएं 47 से विभाज्य हैं, ठीक है। जो है नंबर्स को यहां पर जरूर देगा कि आपको थोड़ा सा गुणा करने में, भाग करने में दिक्कत हो, परंतु आप आसानी से अगर करना चाहेंगे प्रश्न को, तो आप सावधानी पूर्वक उनका डिविजिबिलिटी कराइए, आपका उत्तर आ जाएगा। जो भागफल होगा वही उत्तर होगा। आपको क्या करना है, आपको सीधे सीधे 1578 में भाग दे लेना है। किससे दे लेना है भाई, 47 से दे लेना है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि ये 3 बार ही जा सकता है, क्योंकि देखो 47 से बड़ी संख्या होती है 50, और 50 × 150 होता है, तो जाहिर सी बात है आप 150 के नज़दीक वाली ही संख्या को लोगे, तो 3 बार ही जाएगा। और देखिए कौन सी संख्या होती है, 3 × 7 = 21, 3 × 4 = 12, 12 × 2 = 14, 141। अब 7 में से 1 जाएगा 6, 5 में से 4 जाएगा 1, 16 हो गया। अब यहाँ पर 8 कर लीजिए, ये भी मुझे लगता है 3 बार ही जाएगा, 3 × 7 = 21, 3 × 4 = 12, 12 × 2 = 14, 8 में से 1 जाएगा 7, 6 में से 4 जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 2। तो हमें शेषफल से कोई मतलब तो है ही नहीं, हमें मतलब किससे है, भागफल से, यानी इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे सरल प्रश्न है। अब देखिए इसमें टाइप टू मतलब केस टू के प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। अब इसी प्रश्न के प्रश्न का स्तर थोड़ा सा अगर उठाना होगा, प्रश्न के स्तर को बढ़ाना होगा, तो थोड़ा सा चेंज कर देगा। चेंज कैसे करेगा, देखिए संख्या 1100 तक कितनी संख्याएं 8 तथा 12 दोनों से विभाज्य है। बढ़िया प्रश्न पूछा है कि संख्या 1100 तक कितनी संख्याएं हैं जो 8 तथा 12 दोनों से विभाज्य है। तो अभी तक आपसे एक प्रश्न पूछ रहा था, एक संख्या के बारे में पूछ रहा था, अब यहां पर 2 संख्याओं को लेकर के पूछ रहा है। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, आप
एडिशन वाला टॉपिक पढ़ चुके हैं। एडिशन में हम लोग जो जुगाड़ लगाते थे, जो ट्रिक लगाते थे, वही यहाँ पे भी करना है। हमें क्या करना है, जब एक से अधिक संख्याएं होती हैं तो हम क्या करते हैं, उन संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं। 8 तथा 12 का एलसीएम निकाल लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए निकाल भी देता हूँ, मानता हूँ कुछ लोग 2 मिनट में निकाल लेंगे, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत होगी। मुझे सबसे कमजोर छात्रों को लेकर के चलना है, तो यहाँ पे निकालूंगा मैं 2 चौके 8, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 तियाई 6, 2 एकम 2, और ये 3 तो कटेगा नहीं, और 3 कटेगा अपने आप से, गुणा कर लीजिए, 2 तियाई 6 दूना 12 दूना 24। तो 8 तथा 12 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 24 होगा। एलसीएम हमने इसलिए निकाला है क्योंकि एलसीएम ही वो संख्या है जो क्या करेगी, जिसमें हमें 1100 में भाग देना है। आप कर लीजिए, आपका उत्तर तुरंत आ जाएगा। आपको 8 तथा 12 से भाग न देकर के सीधे 24 से भाग देना होगा। 24 पंचे 120 होता है जो आगे चला जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 24 चौका 96, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पर भी आपका 10 में से 9 गया 1, ठीक है। फिर 24 पंचे 120, ठीक है, 10 ये 0 और 4 में से 2 गया 2, ठीक है। हमें शेषफल का कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है, भागफल से, यानी कुल 45 ऐसी संख्याएं होंगी 1100 तक जो 8 और 12 इन दोनों संख्याओं से विभाज्य होंगी, ठीक है। तो अब प्रैक्टिस के लिए आपको मैं क्वेश्चंस दे दे रहा हूँ, आप उसको जो है कर लीजिए। चलिए अब केस 3 में हम पढ़ने वाले हैं डिविजर्स नंबर्स के बारे में, ठीक है। टॉपिक का नाम है फाइंड द नंबर ऑफ डिवीजन, फाइंड द नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक है। हिंदी में अगर हम बात करें तो हम लोग निकालने वाले हैं विभाजकों की संख्या। अब विभाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपसे अगर पूछ लिया जाए कि 240 के सभी विभाजकों की संख्या बताएं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, हूबहू यही प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, रेलवे में काफी बार इस प्रश्न को दोहराया गया है, ठीक है। प्रश्न में क्या कह रहा है, 240 के सभी विभाजकों की संख्या बताएं। जरा इस प्रश्न पे विचार कीजिए, ये प्रश्न कह क्या रहा है, ये प्रश्न कह रहा है कि ऐसी सभी संख्याओं को बताओ गिन करके जो 240 को विभाजित करती हैं, ठीक है। तो अब चलिए, अब हम कैसे करेंगे भाई, अगर आपसे ये प्रश्न में कहा जाता, थोड़ा सा बेसिक लेवल से समझते हैं इसको, अगर मैं कहता कि 8 के विभाजकों की संख्या बताओ, तो आपके लिए देखिए चुटकियों का खेल होता, आपके लिए चुटकियों का खेल होता। आप बताते, 8 को 1 करता है, 2 करता है, 4 करता है, और स्वयं 8 करता है, ठीक है। मैं 20 का पूछ लेता, मैं 50 का पूछ लेता, आप हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क लेते। पूछने वाले ने 240 को पूछा, पूछने वाला 3600 भी पूछेगा, पूछने वाला 4896 का भी पूछेगा, पूछने वाला 12000, 15000, 20000, 25000 कोई भी संख्या को पूछ सकेगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपको समय कम होगा और आपको जल्दी से जल्दी इसको निकालना होगा, तो यहाँ पे हमें ट्रिक की आवश्यकता पड़ेगी। ट्रिक है क्या जरा देखते हैं, हम इसी को क्यों ना समझ लें, इसी को समझ लेते हैं। तरीका क्या है, आपको 8 का एलसीएम फ्रैक्शन करना है, इसको सरल करना है, गुणनखंड के रूप में करना है। करते हैं, सबसे पहले रूल है कि छोटी से छोटी संख्या से काटिए, 2 या 3 से ट्राई कीजिए। 2 से काटते हैं, 2 चौका 8, 2 दूना 4, ठीक है, और 2 एकम 2, कितना लिखा, 2, कितनी बार आया है, ध्यान दीजिए कितनी बार आया है, 3 बार आया है। जितनी बार आया होता है उसकी घात में 1 बढ़ा देते हैं और वही हमारा उत्तर हो जाता है। अब मान लीजिए मैं कुछ ऐसी भी संख्या ले लेता हूं, जो इसमें तो सब 2 ही 2 से हमारा काम हो गया, जो 2 के अलावा कुछ होता, फॉर एग्जाम्पल, समझाने के लिए बेस्ट एग्जाम्पल नहीं मैं मानूंगा इसको, ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल को लेते हैं कि 2 के अलावा भी तो कुछ मिले, तो उसमें हम क्या करते हैं। चलिए, चूंकि किसी भी चीज को समझने के लिए छोटा से ही समझा जाता है, तो यहां पर भी मैं संख्या को लेता हूं 12 के सभी विभाजकों की संख्या। तो आप लोग देखिए इसका भी निकाल सकते हैं, 1 काट सकता है, 2 काट सकता है, 3 काट सकता है, 4 काट सकता है, 6 काट सकता है, और स्वयं 12 काट सकता है। इसके अलावा दुनिया में ऐसी कोई संख्या नहीं बनी जो 12 को विभाजित
कर सके। ठीक है, तो देख लेते हैं कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कुल 6 संख्याएं आपको निकल करके आ रही हैं जो 12 को विभाजित करता है। आइए चेक करते हैं अपने ट्रिक से, 2 6 12, 2 3 6, 3 51 3। ठीक है, तो यहां पर आप जरा देखिए 2 कितनी बार आया है, 2 बार, मैंने कहा घात में एक बढ़ाइए, फिर 3 कितनी बार आया है, 1 बार, मैंने कहा घात में एक बढ़ाइए, और अब चूंकि 2 अलग अलग संख्याएं हमें प्राप्त हुई हैं, हमने घातों में एक बढ़ा लिया है, ये कितना हो जाएगा, 2 1 3, ये कितना हो जाएगा, 1 1 2, और आपस में गुणा करा दीजिए, यही हमारा उत्तर होगा। नीचे स्क्रीन लाइन पे मैं लिख दे रहा हूं, इसको आप पढ़ लीजिए कि जब भी विभाजकों की संख्या निकालने की बात की जाए तो क्या करना होगा आपको, आपको संख्याओं का एलसीएम फ्रैक्शन निकालना होगा, उसको घातों के रूप में लिखना होगा, जितनी बार संख्या आई हो घात में एक ज्यादा लिखते हैं, और ज्यादा लिखने के बाद घातों का आपस में गुणा करते हैं और उत्तर हम प्राप्त कर लेते हैं। अब आइए हम इस प्रश्न को करते हैं जो मेन प्रश्न है जो परीक्षा में आया हुआ है। चलिए, संख्या हमारा क्या है, 240, काटते हैं इसको, ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा आपका 60, फिर 2 से काटेंगे तो 30, फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा ही नहीं 15, 3 से काटेंगे 3 5 15 हो जाएगा, और 5 5 5। सीधा सीधा देखिए 2 कितनी बार आया है, 2 आया है 4 बार, लेकिन हमें क्या करेंगे, हम घात में एक ज़्यादा लिखेंगे, फिर 3 कितनी बार आया है, 3 आया है 1 बार, घात में एक ज़्यादा लिखेंगे, 5 कितनी बार आया है, 5 भी एक बार आया है, घात में एक ज़्यादा लिखेंगे, और घातों का हमें करना है आपस में गुणा। पहले घात जोड़ो कितना है, ये 5 हुआ, ये कितना हुआ, ये 2 हुआ, ये कितना हुआ, ये भी 2 हुआ, 5 दुना 10 दुना 20, यानी कि हमारा जो उत्तर होगा यहाँ पर वो 20 होगा। ठीक है, 240 की कुल विभाजकों की संख्या कितनी है, 20 है, यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, अब जो अगला प्रश्न है हमारा वो ये है कि संख्या 940 के सभी विभाजकों की संख्या बताइए। आइए देखते हैं कौन सा किस तरीके से इसको निकालेंगे हम। 940 का हम क्या करेंगे, एलसीएम फ्रैक्शन करेंगे, छोटी से छोटी संख्या से काटेंगे, 2 से काटते हैं, 2 4 8, 2 7 8, और ये इधर ट्रांसफर होगा, 2 7 14 हो जाएगा, ये 470, फिर 2 से काटते हैं, 2 2 4, 2 3 6, और ये हो जाएगा, एक बगल में ट्रांसफर होगा, 2 5 10। ठीक है, अब हम इसको काटते हैं किससे, इसको हम काटते हैं 5 से, ये 5 से काटेंगे तो 5 4 20, और ये हो जाएगा 5 7 35। अब चूंकि आप जानते हैं कि 47 क्या है, 47 एक अभाज्य संख्या है, मतलब 47 किसी से विभाजित नहीं हो सकता, वो स्वयं से विभाजित होगा, तो आइए देख लेते हैं क्या होगा। 2 कितनी बार है, 2 बार है, घात एक ज्यादा लिखिए, 5 कितनी बार है, 1 बार है, एक ज्यादा लिखिए, 47 कितनी बार है, 1 बार है, एक ज्यादा लिखिए। ठीक है, और हाथों का आपस में गुणा करा दीजिए, ये 3 हुआ, ये 2 हुआ, ये भी 2 हुआ, 3 दुना 6 दुना 12, मतलब 940 के सभी विभाजकों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 12 होगी, सिर्फ 12 संख्याएं होंगी जो 940 को विभाजित कर पाएंगी। ठीक है, तो समझने के लिए ये सारा है, प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आप इसको करिए, और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग विभाजकों का योग निकालेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।